तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी को रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। राष्ट्रपति पुतिन ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोलस से किया सम्मानित। तीसरी बार पीएम बनने पर पहले द्विपक्षीय विदेश दौरे पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के दौरान रशियन भाषा में की अपने भाषण की शुरुआत। दुनिया के 15 देशों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा चुका है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध, आतंकवाद व शांति बहाली जैसे मुद्दों को लेकर की बातचीत। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं अकेले नहीं देश की मिट्टी की महक के साथ आया हूँ। तीसरी बार पीएम बनने पर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने को लेकर भी अपने संबोधन में की चर्चा। कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण बताए जा रहे प्रधानमंत्री के दौरे पर नजरें गड़ाए हुए हैं यूक्रेन, अमेरिका, चाइना व पश्चिम के कई अन्य देश। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। नमस्कार। प्रियत मस्क्वा, काग देला। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद मॉस्को विजिट पर पहुंचे पीएम मोदी को रूस द्वारा अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोलस अवार्ड से सम्मानित किया और जानकारी के अनुसार अब तक दुनिया के केवल 14 देशों को यह सम्मान मिला है। पिछले एक दशक में बतौर पीएम नरेंद्र मोदी को 15 देशों द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है और इनमें मुस्लिम कंट्रीज ज्यादा संख्या में बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में शामिल पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच युद्ध, आतंकवाद, शांति बहाली व वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और उनकी इस टिप्पणी को रशिया यूक्रेन वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रशियन लैंग्वेज में अपने भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने रूस में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर वह न केवल भारत को दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर चुके हैं बल्कि विकास में 3 गुना तेजी लाने और 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने के लक्ष्य पर भी वह काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि वह यहाँ अकेले नहीं आए हैं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और मिट्टी की महक भी अपने साथ लेकर आए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा है और डिप्लोमेटिक लिहाज से यह विजिट काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। पीएम के रशिया दौरे पर अमेरिका, चाइना व कई वेस्टर्न कंट्रीज जहां पैनी नजर रखे हुए हैं, वहीं यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की उनके इस विजिट की निंदा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विजिट से भारत को जहां सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिलने व अत्याधुनिक हथियार व टेक्नोलॉजी मिलने का फायदा होगा, वहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनर व सबसे पुराने मित्र देश कहे जाने वाले रूस को भी उनके इस प्रवास से लाभ मिलेगा। नमस्कार। प्रियत मस्क्वा, काग देला।
आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ बहुत कुछ लेकर मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसीज से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की
सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सलेंसी, पिछले लगभग ढाई दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है।